गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले हैं चैप्टर नंबर सेकंड सुनामी। और सुनामी के अंदर देर आर थ्री पार्ट्स। कितने पार्ट्स हैं? तीन पार्ट्स हैं। उनमें से हमने दो पार्ट्स है वो स्टडी कर लिए हैं और दोनों ही पार्ट्स के कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस है वो भी कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम चैप्टर सेकेंड का पार्ट थर्ड जो है वो स्टडी करने वाले हैं। कौन सा स्टडी करने वाले? पार्ट थर्ड है। पार्ट थर्ड में एक बच्चे की कहानी है जो क्या है, एक बहुत ही मार्मिक कहानी है। जो बच्चा बिल्कुल अकेला बैठा है, उसकी गोद में एक कुत्ता है और उसके बारे में वो स्टडी कर रहे हैं कि किस प्रकार से सुनामी से श्रीलंका के जो तट हैं उसके ऊपर तबाही मची और उस तबाही का जो मंजर है वो आपके सामने इस कहानी के माध्यम से हम रखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, लुक केयरफुली, पार्ट कौन सा है? पार्ट थर्ड। कौन सा पार्ट है? थर्ड पार्ट। तो देखिए, लुक केयरफुली एट द पिक्चर, लुक केयरफुली एट द पिक्चर, तस्वीर को ध्यान से देखिए। लुक केयरफुली एट द पिक्चर, पिक्चर यानी तस्वीर, लुक यानी देखिए, केयरफुली यानी सावधानी पूर्वक, यानी इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। ऑफ द बॉय लड़के की तस्वीर को, एंड हिज डॉग और उसके कुत्ते को क्या कह रहा है? लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द बॉय एंड हिज डॉग, कुत्ते को और बच्चे की तस्वीर को बड़ी ध्यान से देखिएगा। लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द बॉय एंड हिज डॉग, बच्चे और उसके कुत्ते की तस्वीर को ध्यान से देखिएगा। ट्राई टू डिस्क्राइब इसको वर्णित करने का, या यूं कहिए इसके बारे में जानने की कोशिश। ट्राई टू डिस्क्राइब द थिंग्स दैट यू सी, the things that you see और वो वस्तुएं या वो बातें जो आप यहाँ देख पाते हैं उनका आप क्या लगाइएगा, उसका वर्णन कीजिएगा, उसके बारे में जानकारी। डिस्क्राइब यू सी यूजिंग जस्ट वर्ड्स वर्ड्स यानी शब्दों में। देखिए कहा क्या जा रहा है, लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द बॉय, लड़के एंड हिज डॉग और उसके कुत्ते की तस्वीर को ध्यान से देखिए। ट्राई टू डिस्क्राइब द थिंग्स दैट यू सी यूजिंग जस्ट वर्ड्स, जो कुछ आप देखते हैं, जो कुछ आप देख पाते हैं, जो कुछ आप समझ पाते हैं, उसको शब्दों में बयां करने की कोशिश कीजिए। डिस्क्राइब द थिंग्स दैट यू सी यूजिंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस, शब्दों में या वाक्यांशों में, फ्रेजेज में आप इनको बयां करने की कोशिश कीजिए, बताने की कोशिश करिए। आइदर द टीचर या तो अध्यापक और वन ऑफ द स्टूडेंट या कोई भी एक विद्यार्थी जो है, शब्दों में बयां करने की कोशिश कीजिए। आइदर द टीचर या तो अध्यापक या वन ऑफ द स्टूडेंट या कोई एक विद्यार्थी, वन ऑफ द स्टूडेंट एंड वन ऑफ द स्टूडेंट्स कैन राइट, वन ऑफ द स्टूडेंट्स कैन राइट यानी लिख दीजिएगा, वन ऑफ द स्टूडेंट्स कैन राइट डाउन द वर्ड्स शब्दों में लिख दीजिएगा, और फ्रेजेज या आप वाक्यांशों में लिख दीजिएगा, शब्दों के कुछ मिलाकर के वाक्यांश बनते हैं उसमें लिख दीजिएगा। ऑन द ब्लैक बोर्ड यानी बच्चों को समझाने के लिए क्या कहा जा रहा है, ऑन द ब्लैक बोर्ड। अब इस
पूरे फ्रेज को या पूरे पैराग्राफ को हम समझते हैं। लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द बॉय एंड हिज डॉग, बच्चे और उसकी तस्वीर को ध्यान से देखिए। एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द थिंग्स दैट यू सी यूजिंग जस्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस, जो कुछ आप देख पाते हैं, जो कुछ आप समझ पाते हैं, उसको शब्दों में या फ्रेजेज में या वाक्यांशों में क्या करिएगा, उस शब्दों में बयां करिएगा। स्टूडेंट्स आइदर द टीचर्स और वन ऑफ द स्टूडेंट्स कैन राइट डाउन द वर्ड्स और फ्रेजेज ऑन द ब्लैक बोर्ड, या तो अध्यापक क्या या तो अध्यापक जी द्वारा या विद्यार्थियों में से एक शब्दों में क्या कर दिए, विद्यार्थियों में से एक वन ऑफ स्टूडेंट राइट डाउन यानी शब्दों में लिखिए, फ्रेजेज में लिखिए ऑन द ब्लैक बोर्ड या बोर्ड पर इस बात को आप व्याख्यांकित कीजिए या इसके बारे में लिखिए। कुल मिलाकर के क्या कहा जा सकता है, ये कहा है कि आप उस बच्चे की तस्वीर को देखिए, उसकी गोद में जो कुत्ता बैठा है उसको देखिए और उस बात को अपने शब्दों में बयां कर दीजिए, या तो टीचर के द्वारा या कोई भी एक विद्यार्थी इसको ब्लैक बोर्ड पर उसका पोर्ट्रेट या उसके चित्र या उसकी मार्मिकता को प्रदर्शित कीजिए, उसकी दर्द को समझिए, उसकी कहानी की मार्मिकता को आप महसूस करिएगा। अब देखिए दिस इज सो यू कैन स्टार्ट, यहां से हम पैरा स्टार्ट करते हैं। दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट। आप इस प्रकार से शुरुआत कर सकते हैं। काम ब्लूशी, शांत नीला समुद्र। काम यानी शांत, ब्लू यानी नीला, सी यानी समुद्र। काम ब्लू सी, रूइंड R-U-I-N-E-D, रूइंड यानी नष्ट कर देता है, सब बर्बाद कर देता है। रूइंड हट्स, झोंपड़ियों को, हट्स यानी समुद्र के किनारे पर तट पर जो झोंपड़ियां बनी हुई थी। काम ब्लू सी रूइंड हट्स, शांत नीला समुद्र जो है वो झोंपड़ियों को क्या कर देता है, बर्बाद कर देता है। यानी ये डॉट डॉट डॉट्स का मतलब क्या कर देता है, रूइंड हट्स, हट्स यानी झोंपड़ियां, रूइंड यानी नष्ट कर देता है, बर्बाद कर देता है। तो नीला जो समुद्र है वो झोंपड़ियों को बर्बाद कर देता है। बिफोर द जाइंट वेव्स, अब देखिए बिफोर द जाइंट, Z-A-I-N-T, जाइंट यानी होता है देखते। बिफोर द जाइंट वेव्स, देखते रूपी लहरें यानी राक्षस रूपी जो लहरें हैं वो तट पर आक्रमण करती है। वे स्लैम्ड इन टू द कोस्ट, स्लैम्ड इन टू द कोस्ट, स्लैम्ड का मतलब धमाके के साथ, वेव्स स्लैम्ड यानी S-L-A-M-E-D, स्लैम्ड यानी धमाके के साथ, स्लैम्ड S-L-A-M-E-D, स्लैम्ड यानी धमाके के साथ, वेव्स स्लैम्ड धमाके के साथ इन टू द कोस्ट किनारे पर, इन टू द कोस्ट, कोस्ट यानी किनारा या तट पर, इन टू द कोस्ट, स्लैम्ड इन टू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका, इन इंडिया इंडिया एंड श्रीलंका, इंडिया एंड श्रीलंका, इन इंडिया एंड श्रीलंका। क्या कहा जा रहा है, बिफोर द जाइंट वेव्स स्लैम्ड इन टू कोस्ट इंडिया एंड श्रीलंका। तो कहने का मतलब क्या है, जो दैत्य रूपी लहरें हैं, बिफोर द जाइंट वेव्स स्लैम्ड टू इन ए कोस्ट इंडिया एंड श्रीलंका, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स, वाइल्ड यानी जंगली, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक, डोमेस्टिक यानी घरेलू, वाइल्ड यानी जंगली जानवर जो होते हैं, डोमेस्टिक यानी घरेलू होते हैं। एनिमल्स सीम्ड यानी प्रतीत होना या महसूस होना, सीम्ड, इंडिया एंड श्रीलंका वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम्ड, उनको पता चल गया था, उनको प्रतीत हो गया था
टू नो व्हाट वाज अबाउट हैपन, टू नो व्हाट वाज अबाउट हैपन्ड। उन्हें पहले से ही महसूस हो गया था कि क्या घटित होने वाला है। व्हाट वाज हैपन्ड, व्हाट वाज हैपन कि क्या घटना घटित होने वाली, उन्हें कुछ महसूस हो गया था, कंपन हो गया था। देखिए सबसे पहले तो ये कहा जा रहा है, लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ ए बॉय एंड हिज डॉग, लड़के और उसकी कुत्ते की तस्वीर को देखिए, एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द थिंग्स दैट यू सी यूजिंग वर्ड्स, आप जो कुछ भी देख पाते उसे शब्दों में बयां कीजिए, एंड फ्रेजेज या वाक्यांशों में लिखिए। आइदर द टीचर और वन ऑफ द स्टूडेंट कैन राइट डाउन, या तो अध्यापक या विद्यार्थियों में से एक अपने ब्लैक बोर्ड पर या बोर्ड पर लिखेगा वर्ड्स फ्रेजेज ऑन द ब्लैक बोर्ड, जो चीजें है उसको लिख करके बताएगा या चित्र बना करके बताएगा। दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट, इस तरीके से आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। काम ब्लू सी रूइल हर्ट्स, शांत नीला समुद्र है वो झोपड़ियों को बर्बाद कर देता है, नष्ट कर देता है। बिफोर द जायंट वेव स्लैम्ड इनटू द एकोस इन इंडिया एंड श्रीलंका, बिफोर द जायंट वेव्स यानी दैत्य रूपी लहरें जब भारत और श्रीलंका के तटों पर क्या करती है, स्लैम्ड यानी एकदम धक्का मारती है, टक्कर मारती है, स्लैम्ड करती है, स्लैम्ड यानी टक्कर मारना, धमाके के साथ एकदम बहुत तेज गति से, यानी इंडिया एंड श्रीलंका वह के जो कोस्ट हैं उनकी तट है उनके ऊपर क्या करती है, जोर से एकदम झटका मारती है, तेजी से उसके ऊपर आक्रमण कर देती है धमाके के साथ, मतलब जैसे कोई बॉम ब्लास्ट होता है उससे पानी की एकदम धार तेजी से आती है और वेव्स लहरें जो आती है वो तटों से टकराती है। अब देखिए वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स, जंगली और घरेलू जानवर सीम टू नो, वो पहले से ही उनको प्रतीत हो गया था, पहले से उनको आभास हो गया था कि व्हाट वाज अबाउट हैपन कि क्या घटित होने वाला है। ये जानवरों को पहले से ही पता हो गया था लेकिन इंसान इस बात को नहीं समझ पाए थे। देखिए दे फ्लेड टू सेफ्टी, दे फ्लेड टू सेफ्टी, वे सुरक्षित स्थानों की तरफ चले गए। फ्लेड अप, फ्लेड यानी जाना, दे फ्लेड टू, फ्लेड का मतलब होता है जाना, दे फ्लेड यानी वो सुरक्षित स्थानों की, टू सेफ्टी, सेफ्टी यानी सुरक्षित, फ्लेड यानी जाना, दे फ्लेड टू सेफ्टी, वो अपने आप को सुरक्षित स्थानों की तरफ ले गए, छोड़ करके चले गए, सेफ्टी। अकॉर्डिंग टू द आई विटनेस अकाउंट्स, अकॉर्डिंग टू आई विटनेस, प्रत्येक दृश्यों के अनुसार, अकॉर्डिंग टू आई विटनेस, प्रत्येक दृश्यों के अनुसार जिन लोगों ने ऐसा करते हुए जानवरों को देखा, अकॉर्डिंग टू आई विटनेस, प्रत्यक्ष दृश्यों के अनुसार, आई विटनेस अकाउंट्स, अकाउंट्स प्रत्येक दृश्यों के अनुसार जो घटनाक्रम घटा था उसकी अकाउंटेबिलिटी, उसकी विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए उन्होंने क्या बातें कही, अकाउंट्स। एलिफेंट्स, हाथी जो हैं, लोगों ने क्या देखा कि एलिफेंट्स जो थे, हाथी जो थे, समुद्री तटों पर रहने वाले जो एलिफेंट्स हाथी थे, स्क्रीम्ड एंड चिल्ला रहे थे, स्क्रीम्ड SCREAMED, स्क्रीम्ड यानी हाथी जो है वो चिल्ला रहे थे, स्क्रीम्ड SCREA, स्क्रीम्ड एंड रेन, और दौड़ लगाई उन्होंने चिल्ला चिल्ला करके, क्या करते, स्क्रीम्ड एंड रेन फॉर हायर ग्राउंड, रेन फॉर हायर, हायर उच्च स्थल, हायर ग्राउंड यानी भूमि की उच्च भाग जहां पानी के पहुंचने की, समुद्री पानी के पहुंचने की कम चांस होते हैं, वो उन जगहों की तरफ प्रस्थान करने लगे। यानी जब धरती के अंदर कुछ उथल पुथल होने वाली थी, भूकंप आने वाला था, सुनामी आने वाली थी, तो इन जानवरों को पहले से ही एहसास हो गया था, इसलिए वो उन समुद्री तटों को छोड़ करके हायर ग्राउंड यानी उच्च भूमि की तरफ प्रस्थान करने लगे। एंड डॉग्स, ये तो हाथियों की बात थी, डॉग्स ने क्या किया, कुत्ते जो, डॉग्स
कुत्ते जो थे उन्होंने क्या किए, डॉग्स रिफ्यूज्ड टू, डॉग रिफ्यूज्ड टू, कुत्तों ने मना कर दिया, डॉग रिफ्यूज्ड टू, मना कर दिया अपने मालिकों को, डॉग रिफ्यूज्ड टू गो आउटडोर्स, टू गो आउट डोर्स, कुत्तों ने घर से बाहर निकलने के लिए मना कर दिया था, उनको टहलाने के लिए लोग बाहर ले जाना चाहते थे तो उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं जाने वाले हैं आउटडोर्स, अर्थात वो घरों से बाहर नहीं निकलने वाले थे। एंड फ्लेमिंगोज, फ्लेमिंगोज, फ्लेमिंगोज यानी सार्स पक्षी जो था, फ्लेमिंगोज अबंडेड, ए बी ए एन डी डी, अबंडेड यानी त्याग दिया छोड़ दिया, अबंडेड देयर लो लाइन, देयर लो लाइंग यानी निचले स्तर पर जहां पर वो प्रजनन क्षेत्र था, लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज, बी आर डब्ल्यू ई डी आई, ब्रीडिंग यानी प्रजनन क्षेत्र, ब्रीडिंग एरियाज। तो सार्स पक्षी ने निचले क्षेत्रों में जो उनका प्रजनन क्षेत्र था उसको छोड़ दिया और वो उच्च भूमि की तरफ है वो प्रस्थान करने लगी। एंड जू एनिमल्स रस्ट इन टू, थोड़ा सा मैं ऊपर से उठा देता हूँ, एंड जू एनिमल्स, एंड जू एनिमल्स यानी जो जितने भी चिड़ियाघर के पक्षी थे, एंड जू एनिमल्स जितने भी चिड़ियाघर के पक्षी थे, रस्ट आउट देयर सेफ प्लेसेस, वो अपने सेफ स्थानों की तरफ प्रस्थान कर गए, क्या कर गए, एंड एंड जू एनिमल्स, और एंड जू एनिमल्स चिड़ियाघर के पक्षी, एंड जू एनिमल्स चिड़ियाघर के जितने भी पक्षी थे या जानवर थे, रश्ड इनटू देयर शेल्टर्स, रश्ड इनटू देयर शेल्टर्स, वे अपने शरण स्थली पर चले गए, शेल्टर यानी शरण स्थली पर जहां वो शरण दे थे, शेल्टर्स एंड कुड नॉट, शेल्टर्स एंड कुड नॉट, एंड कुड नॉट, और उनको बुलाया नहीं जा सकता, एंड कुड नॉट, एंड कुड नॉट बी एंटाइस्ड, बी एंटाइस्ड, एंटाइस्ड यानी ललचाया, एंड कुड नॉट बी एंटाइस्ड कम बैक आउट, कम बैक आउट, अर्थात उनको ललचाया नहीं गया कि वो अपने शरण स्थली को छोड़कर बाहर निकले, उसको हम बुलाने के लिए कुछ भी तरकीब निकालते हैं, तो उसने एंटाइस्ड यानी उनको ललचाया नहीं गया था कि वो बाहर आ जाए, कहने का मतलब है जू एनिमल्स रस्ट इन टू देयर शेल्टर्स, वो अपनी शरण स्थली में घुस गए, एंड कुड नॉट बी एंटाइस्ड कम बैक आउट, और उन्हें बाहर निकलने के लिए ललचाया नहीं गया, ललचाया नहीं जा सका, लोगों ने उन्हें कहा कि आप बाहर आ जाओ लेकिन वो बाहर नहीं आना चाहते थे, इस प्रकार से वो एंड जू एनिमल्स रस्ट इन टू देयर शेल्टर्स एंड कुड नॉट बी एंटाइस्ड कम बैक आउट, और उसको बाहर नहीं निकाला जा सका। एक बार आप दोबारा देख लीजिए, काम ब्लू सी रिविन हट्स, यहाँ से अपना चैप्टर स्टार्ट हो रहा था कि काम ब्लू सी शांत नीला समुद्र रिविन हट्स यानी झोंपड़ियों को बर्बाद कर दिया, बिफोर द जाइंट वेव स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका, कि देखते रूपी लहरें जब भारत और श्रीलंका के तटों के ऊपर क्या करती, स्लैम्ड करती, टकराती यानी धमाके के साथ टक्कर मारती, एंड वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम टू नो व्हाट वाज हैपेंड, What was, what about happened? तो देखिए, wild यानी जंगली, domestic यानी घरेलू, animals यानी जानवर, seem to know, वो पहचान गए थे, वो जान गए थे, उन्हें आभास हो गया था, उन्हें प्रतीत हो गया था कि what was about happened, कि क्या होने वाला है, क्या घटित होने वाला है। They fled up to safety, वो सुरक्षित स्थानों की तरफ प्लायन कर गए, fled up यानी प्लायन कर गए, fled to सेफ्टी यानी वो प्लायन कर गए, अकॉर्डिंग टू द आई विटनेस अकाउंट्स प्रत्येक दृश्यों के अनुसार, एलिफेंट स्क्रीम्ड एंड रेन फॉर द हायर ग्राउंड, एलिफेंट जो थे हाथी है वो जोर जोर से चीख रहे थे और दौड़ रहे थे फॉर हायर ग्राउंड उच्च स्थानों की तरफ, डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स
कुत्तों ने घर से बाहर निकलने के लिए मना कर दिया। फ्लेमिंगोज अबेंडेड देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज, और सार्स जो पक्षी होता है उन्होंने निचले क्षेत्रों में जो प्रजनन क्षेत्र था उनका उसका त्याग कर दिया। एंड जू एनिमल्स रुइन इन टू देयर शेल्टर्स, और जो जंतुवाले के जो पशु थे वो अपनी शरण स्थली के अंदर घुस गए। एंड कुड नॉट बी एंटाइस्ड कम बैक आउट, और उन्हें बाहर निकालने के लिए ललचाया गया तो भी वो बाहर नहीं आए। इस प्रकार से आपका आज का चैप्टर कंप्लीट होता है यहाँ पर, और इससे आगे का पैराग्राफ जो है हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।